हेलो एवरीवन, मैं अर्चना। आज मैं आपको गले से शुरू होने वाला स्वेटर बताऊंगी, जिसे हम यहाँ गले से शुरू करते हैं और नीचे जाके यहाँ लास्ट, इसका लास्ट नीचे आता है, ऊपर से नीचे की ओर बनाना होता है। इसमें कैसे बाजू हमें घटाना है ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। गले से शुरू करते हुए फंदे बढ़ाते हुए हमें यहाँ ला के इसे डिवाइड कर देना होता है। इसे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी। इसे गले से लेकर बाजू तक हमने पार्ट वन में बता चुका है। पार्ट टू में आज मैं आपको पार्ट टू बताऊंगी कि यहाँ से डिवाइड करते हुए ऊपर के पोर्शन के बाद इधर डिवाइड करते हुए नीचे तक कैसे बनाना है, ये आज के अपने इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी। चलिए, ये 6 महीना से 1 साल तक के बच्चे का है, इसे आप आसानी से पहना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं इसे बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अब हम आगे का भाग बनाना शुरू करते हैं। ऊपर ये हमारा गले से डिजाइन हमारा बनता हुआ आ गया ऊपर का। ये हमारा 5.5 फंदा है, 5.5 है ऊपर का। देखिए, गले से नीचे से हमारा यहाँ ये 5.5 है। देखिए 5.5 है, ये 6 महीना से 1 साल के बच्चे तक के है। इससे अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर यही हमारा और आगे तक ऊपर, और ऐसे एक लाइन और हम आगे बना देंगे और हमारा 76 फंदे के बदले फिर हम 80 फंदे ले लेंगे 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। देखिए 5.5 यहाँ है और ऊपर से लीजिएगा गले से तो ये हमारा 6 है। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। अभी इसे हम अलग अलग भागों में बांट देंगे। पहले तो हम बटन पेटी, हमें होल बनाना है बटन होल यहाँ, हर 7 7 देखिए 7 लाइन के बाद हम इसे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 सातवीं लाइन में मैंने इसे हमेशा बनाया है। आप चाहे तो 8 या 9 तक में बना लें, लेकिन हर बार बराबर जितने में बनाए हैं उतने ही में बनाइएगा, नहीं तो ख़राब लगेगा बनने पर, आगे पीछे होने से। 4 उनको अपनी ओर हम करेंगे और देखिए 2 फंदा का 1 फंदा करते हुए हम होल बना लेंगे, जाली बन गया। फिर 1 2 7 फंदा। अब यहाँ से हम इसे बांटेंगे तो पहले सामने का भाग है, ये सामने के भाग के लिए 7 फंदा हो गया, ये 8 देखिए 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हमें 37 फंदे लेने हैं। 27 28 29 30 31 32 33
चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस। देखिए यहाँ हमने 37 फंदा, हमारा आगे का भाग है ये 37 फंदा, तो 37 फंदा को हम अलग कर लेंगे। इसे हम पहले जब भी इसे बनाना हो तो पहले हम बाजू ही बनाएंगे, नहीं इधर बना लेते फिर हमें बाजू बनाने में परेशानी होगी। देखिए हमने यहाँ निशान लगा दिया, अब हम पहले 50 फंदे को बुनेंगे। पहले हम बाजू के 50 फंदे को बुनेंगे। देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, इसी तरह करते हुए हम 50 फंदे बुन लेंगे पांच बाजू के। देखिए 50 फंदा हमने यहाँ से 37 फंदे अलग करने के बाद 50 फंदे को हमने सीधा सीधा बना लिया। अब हम यहाँ से घूम जाएंगे, फिर हम जो डिजाइन डालना है उसके लिए हमें चार दो सिलाई सीधा उल्टा बनना होता है, तो उधर से हमने सीधा सीधा बना लिया, अब इधर से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और बाजू बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए पूरे सिलाई हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए एक बार हमने तैयार कर लिया इसे, जो हमने 50 फंदा लिया था उससे हर पांच सिलाई सॉरी हर चार सिलाई के बाद पांचवी सिलाई और छठी सिलाई में हमने फंदे को कम करते हुए इसे दो एक तरफ सीधे तरफ से हमने फंदे को घटाया, फिर इस लास्ट में इसे घटाया करते हुए हर पांच सिलाई छह सिलाई के बाद फंदे को घटाते हुए हम यहाँ तक यहाँ हम ले आए हैं। इसे इसे फिर 36 फंदे हमने यहाँ रख लिया, और इसकी लंबाई देखिए 8 इंच है। 8 इंच इसकी लंबाई बनाने के बाद यहाँ हमने फंदे को बंद कर दिया। देखिए इसी प्रकार अब हम यहाँ ये हमारा बैक साइड का हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड का था, ये बाजू हमने बना लिया, ये बैक साइड का है। फिर से हम इसे जैसे हमने इसे बनाया है उसी प्रकार इसे भी हम बना लेंगे। यहाँ भी हमने 50 फंदा अलग कर लिया है, यह 37 फंदा है फ्रंट पार्ट और बाजू वाला 50 फंदा है। फिर से हम बाजू ही बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ बाजू बना लिया उसी प्रकार इधर भी हम बाजू बना लेंगे। पहले जिस तरह से हमने इसे बनाया है उसी प्रकार इसे भी बाजू हम फंदे घटाते हुए लास्ट में 36 फंदे हमें करने हैं। 50 फंदा है ऊपर में, इसे हमें 36 फंदा करना है, तो अर्थात चार सिलाई पांच सिलाई बाद हम फंदे को कम करते हुए 36 फंदा लास्ट में ले आएंगे। चलिए इसे भी बना के पूरा करते हैं। देखिए बाजू बन के तैयार हो गया, एक बाजू हमने इधर बना लिया, एक बाजू ये हमारा बन गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब हम दोनों अब आगे वाले फ्रंट वाले भाग को और पीछे वाले बैक साइड वाले भाग को इधर फ्रंट वाले तीनों को एक सिलाई में लेंगे और अब हम इसे एक साथ हम बुनेंगे।
8 इंच तक, 8.5 इंच तक इसकी लंबाई हमें बुनना है। ऐसे हमने 8.5 रखा है, इधर को हम 9 तक 9 इंच रखेंगे। चलिए इसे बना के दिखाती हूँ। ये हमारा बनकर तैयार हो गया स्वेटर। यहाँ से हमने लंबाई जो एक साथ बुनना शुरू किया था, इसे मिल एक साथ बुनते हुए मैंने यहाँ ले आए इसे, यहाँ ला के फिर हमने इसे बॉर्डर तैयार किया है। यहाँ बॉर्डर बना के सारे फंदे को हमने बंद कर दिया। इसी तरह आपको जितनी भी लंबाई रखनी है स्वेटर की, उतनी लंबाई बना के आप यहाँ लास्ट में बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बना के इसे बंद कर देंगे। देखिए ना कितना खूबसूरत स्वेटर बनकर तैयार हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।